This video of The Lallan Top is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मीका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर वन गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। ये कहानी कई टुकड़ों में है, ये कहानी कई किनारों से पकड़कर बीच तक पहुंचती है। इस कहानी का एक सिरा एक बैंक की लूट और मास्क से शुरू होता है। इस कहानी का एक सिरा भाई की मौत, फिर माँ की मौत, फिर बीवी की मौत, फिर अपनी मौत तक जाता है। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, सब आते हैं सब मरते हैं। हम कहेंगे कुछ आते हैं और जाते हैं, लेकिन याद शहर में हमेशा के लिए बस जाते हैं जाने के बाद भी। ये कहानी एक आदमी की है जो लोगों को चौंकाता था और रईस हो जाता था। कुछ कहते थे कि वो जीनियस है, कुछ कहते थे कि वो बेहतर है, बीमार है, घिनौना है, बदबूदार है। उसे लाशों को उकेरने में मज़ा आता था, उसे कीड़ों को रिंगाने में मज़ा आता था। उसने बचपन में एक किताब पढ़ी थी और वो हमेशा के लिए औरतों से एक तरह से प्यार करना भूल चुका था। किसी ने उसे देश का गद्दार कहा, किसी ने कहा कि वो सब कुछ था जो एक इंसान हो सकता था। और जब वो है से था में बदल गया, फिर भी उसके हिस्से सुकून नहीं आया, क्योंकि उसकी मौत के दशकों बाद भी उसकी कब्र पर फावड़े चल रहे थे। ये सल्वादोर दाली की कहानी है, कई टुकड़ों में बटी है, कई टुकड़ों में सुनाई जाएगी। पहले हिस्से से शुरू करें। लाल कपड़ों में कुछ लोग स्पेन की रॉयल मिंट लूटने के लिए घुस आए हैं। शहरों के नाम वाले लोग, किसी का नाम बर्लिन, किसी का टोक्यो, किसी का मॉस्को तो किसी का रियो। ये एक मास्टर प्लान के साथ आए हैं जिसके पीछे एक प्रोफेसर का दिमाग है। ये वो लोग हैं जिन्हें समाज में अपराधी कहा जाता है, लूजर्स कहा जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो प्रतिरोध कर रहे हैं उस व्यवस्था के खिलाफ जहाँ बड़ों की, ताकतवरों की चोरी पर किसी की नजर नहीं जाती। जहां संस्कृत के सूक्त वाक्य में कहूं तो ये चलन है कि सांस्थानिक चोरी चोरी न भवती। वे अपनी नजर में रॉबिन हुड हैं, वे अपनी नजर में हीरो हैं, तो क्या हुआ जो स्टेट उन्हें एक अपराधी की तरह देखता है। वे अलग अलग हैं, वे एक हैं। एक कैसे? क्योंकि उन्होंने एक जैसा मास्क पहन रखा है। किसका मास्क है ये? जिसमें भौएं तरेरती एक शक्ल पर बड़ी सी मूछें हैं, मूछें जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती हुई उन्हीं भौओं की तरफ एक भाले की तरह उभरती हुई जाती है। ये सवाल उन चोरों ने भी पूछा, लुटेरों ने भी पूछा, डेनवर ने मास के बारे में पूछा कि ये मूछ वाला आदमी कौन है। जवाब उसके बाप मॉस्को ने दिया, दाली, एक स्पेनिश पेंटर। डेनवर ने कहा, पेंटर जो पेंट करता है? मॉस्को अपनी सीमित जानकारी में झेपते हुए सर हिलाता है और कहता है, हाँ। ये सीन आजकल बहुत चर्चित हो रही सीरीज मनी हाइस्ट का है। इसमें जिक्र है दाली का, लेकिन दाली सिर्फ पेंट नहीं करता था। एक महान कवि था जो उसके प्यार में पागल हो गया था, लेकिन दाली इस पुरुष प्रेमी में इच्छुक नहीं था। नतीजा, एक अमर अधूरी कविता अचानक कत्ल से पहले। वो पेंटिंग बनाता था तो गैलरी वाले परेशान हो जाते थे, क्योंकि पेंटिंग इतनी बोल्ड और बेचैन करने वाली होती कि दर्शकों को सहना मुश्किल हो जाता। पाब्लो पिकासो उसे जीनियस मानते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने और कईयों ने दाली के नाम से नफरत पाल ली। वो इश्क करता था औरतों से, लेकिन अपने ढंग से, क्योंकि दुनिया के ढंग से उसे घिन थी बचपन में देखी एक किताब के चलते, और एक शादीशुदा औरत से हुए ऐसे ही एक इश्क ने उसके बाप को गुस्से से भर दिया। बाप ने उसे घर से, जायदाद से निकाल दिया, पेंटिंग तक जब्त कर ली। फिर वो मछुआरों की बस्ती में रहा, अमीर बना, जंग से बचा, दोस्त मरा तो शाबाश कहकर चीखा, लेकिन फिर पूरी जिंदगी उसी दोस्त को पेंटिंग में उकेरता रहा। और जो औरत सब कुछ थी, उसने इस दाली की हरकतों से तंग आकर एक किले में शरण ली, जिसे दाली ने उसके लिए ही खरीदा था,
लेकिन जहां खुद डाली नहीं जा सकता था। फिर वो मर गया। मरने से पहले वो मर गई। इन दोनों के बीच एक आखिरी मास्टरपीस आया और आए सवाल कि कोई कांपते हाथों से ये लकीरें कैसे खींच सकता है। फिर जो वो मर गया लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिला, क्योंकि मौत के 3 दशक बाद लोगों को कार में पीछे की सीट पर एक औरत के पुतले से निकलते घोंगे याद आ रहे थे, एक मुकदमे के चलते। ये सल्वादोर दाली की कहानी है, सन की जीनियस पागल जैसे शब्दों को अपनी अर्थवत्ता में बेहद कम महसूस करवाता दाली। मैं आपको दाली की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन इस सफर पर मेरे साथ चलने से पहले आपको भी एक कुदाल, एक रस्सी, एक टॉर्च साथ लेनी होगी, क्योंकि सुरंग है, नमी है, धुआं है, अंधेरा है। यहाँ दाखिल होने से पहले कुछ चीज़ों से वाकिफ होना, कुछ औजार साथ लेना बहुत ज़रूरी है। पहला पारिभाषिक शब्द जो दाली के तिलिस्म को भेदने के लिए आपको जानना चाहिए वो है डाडा। स्पेनिश लहजे में कहें तो दादा। आपने उड़ता पंजाब का शैली का लिखा वो गाना सुना होगा, डर डाडा डस से और मंजिल हस से। मैंने शैली से पूछा इसमें डाडा का मतलब क्या है। उन्होंने बताया ये पंजाबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा इंटेंस। लेकिन यही शब्द जब पंजाबी से फ्रेंच भाषा में चला जाता है तो एक नया अर्थ लाता है। फ्रेंच में डाडा का मतलब हॉबी हॉर्स। समझ में नहीं आया मुझे, और तलाशा तो पता चला लकड़ी की काठी और काठी पे घोड़ा, इसी को कहते हैं हॉबी हॉर्स यानी कि डाडा। लेकिन ये एक आंदोलन का नाम था, कला के क्षेत्र का, यूरोप में जन्मा, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद का। ये वो दौर था जब रूस में क्रांति हो चुकी थी, कलाकार कम्युनिज्म के मुरीद हो रहे थे और ऐसे में आवागार्द कलाकारों ने सुंदरता के तय मानकों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि पैसों को ही सब कुछ मानने वाली सोसाइटी के तर्क बेदम है। ये सोसाइटी हर चीज में लॉजिक खोजती है लेकिन इसके परे भी कुछ है जिसे लोग नॉनसेंस कहते हैं, रैशनल कहते हैं, लेकिन वो है और वही है। और ये राष्ट्रवाद की उग्रता और हिंसा को सिरे से खारिज करता है। लेकिन इस विचार का काठी के घोड़े से क्या रिश्ता। दरअसल एक किंवदंती चलती है कि जर्मनी के अवांगार्ड आर्टिस्ट रिचर्ड ह्यूल्सेनबेक, उन्होंने कागज काटने वाली चाकू उठाई और सामने रखी डिक्शनरी का एक पन्ना खोला और उसमें घोप दी, और जो शब्द नोक के नीचे आया वो डाडा था तो नाम पड़ गया। आप कहेंगे इतना रैंडम, इसका क्या लॉजिक हुआ। मैं कहूंगा दरअसल ये पूरा आंदोलन ही इस कथित लॉजिक के खिलाफ था। हालांकि कई टिप्पणीकार ये भी कहते हैं कि ये आर्ट आंदोलन बच्चे की तरह निष्कलुष था, बच्चा जिसके शुरुआती स्वर होते हैं डाडा, पिता का एक शब्द। बहरहाल हरी कथा अनंत, आंदोलन आया, सब कथित बिगड़ैल आर्टिस्ट इससे जुड़े, फिर कलाकारों ने इसको अगली स्टेज में पहुंचाया और ये स्टेज कहलाई सरिलिज्म। और यहीं पे आता है हमारा दूसरा पारिभाषिक शब्द सरिलिज्म, रियल से बना लेकिन उससे ज्यादा। इस शब्द के अंग्रेजी माने क्या है, कुछ ऐसा जो असली से ज्यादा हो, जिसमें अवचेतन की झलक हो, अति यथार्थवाद। पर ऐसे शायद समझ ना आए, एक उदाहरण से समझते हैं। संजय लीला भंसाली की एक फिल्म आई थी सांवरिया, एक सरियल वर्ल्ड में स्थापित फिल्म, सब कुछ नीला, सुंदर, कलात्मक, उसकी चीजें ऐसी जो हमने देखी, लेकिन उन चीजों को जोड़कर जो दुनिया बनी वो दुनिया कल्पना का आभास देती है। वो सेट पैटर्न से अलग है, रेगुलर है, लेकिन उलट पलट के तर्कों के साथ है, जिन्हें देखकर अजीब लगता है, कुछ बेचैनी लगती है। ये मनुष्य के भीतर के ऊटपटांग का सेलिब्रेशन है। ये दाली की कलाकारी में बार बार आएगा, इसलिए इसको बैठने दें और अब कहानी शुरू करते हैं। आज पहला अध्याय सुनते हैं। ये 1936 का साल था, लंदन के एक म्यूजियम में सरिलिज्म पर बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा था। इसमें सल्वादोर दाली को भी लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, लेकिन सुर्खियां उनके बोले से ज्यादा उनके पहनावे ने बनाई। दाली वहां समंदर के गोताखोरों वाले कपड़े पहनकर गया, डीप सी डाइविंग सूट, सर पर हेलमेट और उस हेलमेट में छेद ताकि सांस लेता रहे। दाली के एक हाथ में बिलियर्ड्स की क्यू थी यानी गेम खेलने वाली छड़ी, और दूसरे हाथ में लगाम, क्योंकि लगाम के दूसरे छोर पर वुल्फहाउंड्स नस्ल के कुत्ते थे। दाली से पूछा पत्रकारों ने यह सब क्या है, और उनका जवाब था
मैं इंसानों के समंदर में गहरे डूब रहा हूं। दाली का यूं डूबना, यूं प्रदर्शन करना, यूं रैंडम होना उनका ट्रेडमार्क था। वो कभी प्रदर्शनी के लिए जाते हैं तो एक महंगी खुली कार में पत्ता गोभी भर ले जाते हैं, कभी अपने घर में संभोग का प्रदर्शन आयोजित करते हैं। जैसी कला वैसा जीवन, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वहीं जहाँ अंत हुआ, स्पेन का फिगेरस कस्बा। 11 मई 1904 को दाली पैदा हुए, अपने भाई की मौत के ठीक 9 महीने बाद, और उनको वही नाम दिया गया जो भाई का था, सल्वादोर। दाली ने बाद में जीवन के इस पहलू पर टिप्पणी करते हुए जानते हैं क्या कहा? हम पानी की दो बूंदों की तरह थे, एक से बस हमें नजर आने वाले अक्स अलग थे। वो शायद मेरा पहला संस्करण था, उसमें सब कुछ बहुत ज्यादा था। दाली ने अपने इस पहले संस्करण को बाद के दशक में पोर्ट्रेट ऑफ माय डेड ब्रदर नाम की पेंटिंग बनाकर भी याद किया। दाली के पिता रफायल एक सख्त और नास्तिक तबीयत के वकील, जो अपनी औलादों के कील काटे दुरुस्त रखना चाहते थे, लेकिन दाली की माँ दयालु थी। माँ का दयालु होना लगभग उतना ही जरूरी और फिर भी कहने में घिसा हुआ वाक्य है जैसे ऑक्सीजन की हमारे इर्द गिर्द जरूरी मौजूदगी। दाली की माँ ज्यादा दिन मौजूद नहीं रही, 16 बरस के थे वो जब चल बसे। फिर बाप ने दाली की मौसी से ब्याह कर लिया। दाली खुश थे, मौसी पसंद थी उन्हें, लेकिन माँ की याद आती थी और बाप उससे चिढ़ाती थी। इसका अंजाम क्या हुआ आगे पता चलेगा। फिलहाल दाली के कैलेंडर में साल बदलते हैं। वो घर से निकले, मैड्रिड पहुंचे आर्ट्स पढ़ने, लेकिन डिग्री नहीं ले पाए। कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के चलते, कभी अपनी जिद में एग्जाम में बैठने से इनकार के चलते। इन सब के साथ साथ कला के अलग अलग प्रयोग वो करते रहे। डाडाइज्म, क्यूबिज्म, फ्यूचरिज्म, सरिलिज्म सब चलता रहा। और आवारागर्दी के इसी दौर में उनकी दोस्ती हुई लोरका से, फेडरिको गार्सिया लोरका, कवि प्रेमी। दोनों की अंतरंगता के रंग कई प्रिज्मों से गुजारे गए, लेकिन आखिरी में रंग अलग हो जाते हैं। उनकी यौन क्रीड़ा वाली पहलों में मेरी दिलचस्पी नहीं थी, ये कहकर दाली अलग हो गया लोरका से। उनकी राजनीति क्या है, कला को इससे मुक्त रहना चाहिए, ये कहकर दाली अलग हो गया आंदोलन से। और अलग होने के क्रम में दाली के भीतर खींच भरती गई। वो सार्वजनिक रूप से आंदोलन के साथियों को लताड़ने लगा। इस दौर में उसका एक बयान बहुत चर्चित हुआ था, द डिफरेंस बिटवीन द सरलिस्ट एंड मी इज दैट आई एम अ सरलिस्ट। इसी दौर में उनकी बनाई एक पेंटिंग बहुत चर्चित हुई, द मेटामॉर्फोसिस ऑफ नार्सिसस, आत्मोह। आलोचकों ने कहा दाली दरअसल इसी से भर गया है, अब वो प्रगतिशील नहीं रहा, वो डरपोक हो गया, वो हिटलर की पूजा करता है, वो फासिस्ट है, वो फ्रेंको का सपोर्टर है। ये हिटलर तो ठीक है, पर फ्रेंको कौन? जनरल फ्रेंको, दाली के मादरे वतन स्पेन में 20वीं सदी के चौथे दशक में सिविल वॉर हुआ, उसमें फ्रेंको एक धड़े का अगुवा था। कम्युनिस्ट यानी दाली के साथी दूसरे धड़े को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन दाली चुप रहा। उसकी चुप्पी को फ्रेंको का साथ माना गया। फ्रेंको जंग जीत गया हिटलर के शासन वाले जर्मनी की मदद से। फ्रेंको ने कई विरोधियों को मार दिया, इनमें से एक था लोरका। दाली परदेश में था जब लोरका की खबर उसे मिली, और आप जानते हैं उसका पहला रिएक्शन क्या था? ओले, स्पेनिश भाषा का शब्द, मोटा माटी हिंदी अनुवाद, बहुत बढ़िया। क्या था ये, ट्रेजेडी पर जाहिर की गई बेबस हंसी, रैंडमनेस, इश्क की किरमिज? हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि दाली ने इसके बाद जब तक ब्रश घुमाया, कहीं ना कहीं लोरका का रेफरेंस आलोचक खोजते रहे। लेकिन एक चीज खोजने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी, लोरका की एक आखिरी कविता, अधूरी कविता एक पुरुष प्रेमी के लिए। आइए अधूरी कविता का अधूरा टुकड़ा सुनते हैं। अनसोए प्रेम की रात, हम दोनों के लिए ये रात उन्माद की रात थी, और पूर्णिमा का पूरा चांद था। मैंने रोना शुरू कर दिया, तुम हंस रहे थे, तुम्हारा तिरस्कार एक ईश्वर था, और मेरा विलाप कुछ पल थे, जंजीरों से बंधे कपोत थे। यह अनुवाद हमने साहित्य की वेबसाइट सदा नीरा से लिया है, आग्नेय ने किया है। लेकिन दाली की कहानी में अभी बहुत पहलू बाकी हैं। अभी दाली को एक किताब के जरिए अपनी जिंदगी के
तमाम घिनौने ब्यौरों को बाहर लाना है। अभी ताली को एक औरत से बेपनाह इश्क करना है, उसकी नंगी पीठ को कैनवस पर उतारने से पहले। अभी दाली को मछुआरों की बस्ती में रहना है। दाली की ये कहानी जारी रहेगी, देखते रहिए लल्लन टॉप।